गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं डॉक्टर मेघराज और ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट लॉ की सेकंड क्लास है। यहां पे हम डिस्कस करेंगे कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है। सी, रेसिप्रोकल प्रॉमिस समझने से पहले हमें प्रॉमिस समझना पड़ेगा। सेक्शन 2A दैट टॉक अबाउट प्रपोजल, सेक्शन 2B जो एक्सेप्टेंस की बात करता है, और जब प्रपोजल एक्सेप्ट होता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। अब इस चीज़ को हम समझेंगे एक एग्जांपल के साथ। सपोज आप अपने दोस्त के पास जाते हो और आप देखते हो कि आपके दोस्त का बहुत ही प्यारा स्कूटर है और आपको वो ख़रीदना है, तो आप कहते हो कि मैं आपका स्कूटर जो है वो 50,000 पे ख़रीदना चाहता हूँ। यहाँ पे आपने जो प्रपोजल बनाया वो प्रपोजल आपने अपने फ्रेंड के सामने रखा विद ए व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ योर फ्रेंड, एंड देन व्हेन योर फ्रेंड एक्सेप्टेड दिस प्रपोजल इट बिकेम प्रॉमिस एज पर द सेक्शन 2B। नाउ इस प्रॉमिस को जब हम देखते हैं तो बेसिकली इसके अंदर दो प्रॉमिस हैं। एक प्रॉमिस कि आप 50,000 रुपये अपने दोस्त को दोगे, दूसरी प्रॉमिस कि आपका दोस्त आपको वो स्कूटर देगा। अब यहाँ से हम समझते हैं कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होती हैं। सेक्शन 2F जो है वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस को डिफाइन करता है, एंड सेक्शन 2F कहता है प्रोमिसिस विच फॉर्म कंसिडरेशन और द पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस। दैट मीन हियर वर्ड ईच अदर मीन्स प्रोमिजोर एंड द प्रोमोजी, द पर्सन हु मेक द प्रपोजल और द पर्सन हु एक्सेप्टेड द प्रपोजल। जो एग्जाम्पल मैंने दिया है उसके अंदर आपने जो ये कहा कि मैं आपको 50,000 रुपीज़ दूंगा, दिस इज़ कंसीडरेशन फॉर द प्रोमोजी, दिस इज़ द कंसीडरेशन फॉर योर फ्रेंड। एंड जो सेकंड प्रॉमिस है कि योर फ्रेंड विल डिलीवर यू दैट स्कूटर, दिस इज़ द कंसीडरेशन फॉर द प्रोमिजोर, द कंसीडरेशन फॉर यू। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सी, जैसे कि हमने सेक्शन 2G में पढ़ा, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज वॉइड, वॉइड मीन्स शून्य। दैट मीन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला जाएगा, वो शून्य करार बोला जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट बोला जाएगा। अब हम दूसरे में जाते हैं, वॉइडेबल, वॉइडेबल। सी, वॉइड प्लस एबल, दैट मीन जिसको हम शून्य कर सकते हो, शून्यकरण करार। अब वॉइडेबल शून्यकरण कॉन्ट्रैक्ट भी हम बोलते हैं। अब ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जब हम सेक्शन 2I को पढ़ते हैं तो सेक्शन 2I कहता है एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और द अदर्स। इसका मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो पार्टी होती हैं, प्रोमिजोर और प्रोमोजी, अगर किसी एक के ऑप्शन पे वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका होगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसको समझने के लिए आप देख सकते हैं कि जो हमारे सेक्शंस हैं, सेक्शन 19, वहाँ पे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात की है। अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो आपकी अनड्यू इन्फ्लुएंस वगैरह से अगर कंसेंट ली गई है, तो उस केस में जिसकी कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस से ली है उसको ऑप्शन होता है टू ईदर टू मेक दैट कॉन्ट्रैक्ट वर्केबल और उसको शून्य करार भी कर सकता है। तो यहाँ पे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट उसको बताया गया है, और वहाँ पे एक पार्टी के ऑप्शन पे एक तरफ से वो इन्फोर्सेबल होगा और दूसरी तरफ से उसको इन्फोर्सेबल नहीं किया जाएगा। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि व्हाट इज़ द कंसीक्वेंस, सपोज जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, बिकॉज सेक्शन H क्या कहता है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, एंड सेक्शन 2G कहता है एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज वॉइड, नॉट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, नेवर एवर कमिट दिस ब्लेंडर, इट इज़ नॉट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ वॉइड एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बिकेम, यू नो, द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी, बिकॉज बोथ दीज वर्ड म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव हैं। अगर हम देखें
वॉइड मतलब सेक्शन 2G एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अब या तो जो एग्रीमेंट है वो इन्फोर्सेबल होगा या वो नॉन इन्फोर्सेबल होगा, एक ही समय में इन्फोर्सेबल और नॉन इन्फोर्सेबल इट इज़ नॉट पॉसिबल, एंड सो इट इज़ नॉट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ वॉइड एग्रीमेंट। अब हम क्वेश्चन चलते हैं सेक्शन 2J के ऊपर। सेक्शन 2J कहता है एक कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय द लॉ बिकम वॉइड वैन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। वैन इन्फोर्सेबिलिटी ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इज लूजेज, ओके, देन वैन द इन्फोर्सेबिलिटी इज गोन देन द कॉन्ट्रैक्ट बिकेम वॉइड, दैट मीन वॉइड एग्रीमेंट। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इन्फोर्सेबिलिटी क्या है, एंड इन्फोर्सेबिलिटी के लिए प्लीज़ सी माई नेक्स्ट वीडियो। अगर यहाँ से आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। थैंक यू।